Hi, guys, welcome to my video lecture. In this video lecture, I am going to cover the four major stages of algorithm analysis and design. Dear friends, I am preparing this video lecture based on SBT syllabus for diploma course. this video lecture is for second year fourth semester computer science department student so let's start with our topic four major stages of stages of algorithm analysis and design so what are the four major stages of algorithm analysis and design यहाँ पर हम लोग चार मेजर स्टेज एल्गोरिथम की मेजर स्टेज को हम लोग देखने जा रहे हैं जो एनालिसिस और डिज़ाइन के अंदर में आता है यानी कि एल्गोरिथम को जब हम लोग बनाते हैं तो हमें चार स्टेज को फॉलो अप करना पड़ता है वो चार मेजर स्टेज है जिसको हम लोग को ध्यान में रख कर के एलग्रिथम को बनाना पड़ता है सो so, पहला स्टेज क्या है वो पहला स्टेज क्या है हमारा डिजाइन है वो क्या हमारा डिजाइन है सो so, देखिए जैसे कि हमने ये फिगर के द्वारा भी आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि डिजाइन एनालिसिस, इंप्लीमेंट, एक्सपेरिमेंट सो so, दिस आर so, क्या हमारा? Four, है हमारा फोर ए साइक्लिक प्रोसेस है समझ रहे हैं ना साइक्लिक प्रोसेस है और ये चार मेजर स्टेजेस हैं एल्गोरिथम का डिजाइन और एनालिसिस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सो so, पहला पॉइंट हमारे यहां पर हमारे पास आता है डिजाइन सो डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम सो डियर फ्रेंड्स वेन वी आर गोइंग टू डिजाइन द एल्गोरिथम वी मस्ट हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन आवर माइंड जब हम लोग एल्गोरिथम को डिजाइन करने जाते हैं तो हमारे पास कुछ बातों को ध्यान में रखना है वो क्या है हम हमें ऐसी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना है जो इफेक्टिव इन नेचर हो इफेक्टिव इन नेचर मतलब क्या है यानि कि ऐसे एल्गोरिथम हो हमें डिज़ाइन करना है जो हमें कम समय और कम मेमोरी स्पेस की स्पेस को ले यानि कि कम समय और कम मेमोरी स्पेस में हमारा एल्गोरिथम काम करे तो ये बात को ध्यान में रख करके हमें एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना है हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है उस पॉइंट को भी हम लोग कवर कर लेते हैं डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग एल्गोरिथम टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या है इट्स इम्पॉर्टेंट क्या है इम्पॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यानी कि तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम को बनाते हैं उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं समझ रहे हैं तो हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो डिज़ाइन एनालिस जो एल्गोरिथम है क्या हमारा सर्कुलर प्रोसेस है क्या हमारा एक ये हमारा एक सर्कुलर प्रोसेस है यानी कि ये प्रोसेस हमारा सर्किल की तरह कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा जैसे कि इस फिगर में आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ये हमारा क्या है सर्कुलर प्रोसेस है

फॉलोइंग दिस सर्कुलर प्रोसेस अब हम लोग डिजाइनिंग की बात जब हम लोग ने किया यहां पर तो डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम में हमने देखा कि जब हम लोग एल्गोरिथम को डिजाइन करने जाते हैं तो हमारे पास दो चीज़ों को ध्यान में रख करके करना है कि हमारा एल्गोरिथम कम समय ले और कम स्पेस को आप उपाय करें दीज आर द टू बेसिक पॉइंट और फैक्टर ऑन विच वी आर गोइंग टू बी इम्फेसाइज वाइल डिजाइनिंग अल्गोरिथम नेक्स्ट सी इज दैट द डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम हमारा क्या है देर आर सो मैनी अप्रोच टू डिजाइन द एलगोरिथम क्या है सम ऑफ देम कैन बी इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंजन वेर समेम इज इफेक्टिव विद मेमोरी देखिए यहां पर ये बताने का कोशिश कर रहे हैं हम यहां पर कि हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए लेकिन हमने पहले ही आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में ही कि हम लोग टाइम और स्पेस दोनों को हम लोग एक साथ मिनिमाइज या कंज्यूम या रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे अप्रोच हैं जो इफेक्टिव हैं टाइम को कंज्यूम करने के लिए कि कम समय में वो काम कर देगा लेकिन मेमोरी क्या होगा ज्यादा उपाय करेगा कुछ अप्रोच हमारे पास ऐसे इफेक्टिव हैं, जो कम मेमोरी स्पेस लेता है लेकिन समय वो ज्यादा लेगा समझ रहे हैं तो हमारे पास बहुत तरह के इस तरह का अप्रोचेज हैं जिसके द्वारा हम अपने एल्गोरिथम को डिजाइन कर सकते हैं तो कुछ ऐसा हमारे पास अप्रोच है इफेक्टिव अप्रोच है जिसके द्वारा हम लोग समय को कम कर सकते हैं कुछ अप्रोच है ऐसा है जिसके द्वारा हम लोग स्पेस को कम कर सकते हैं लेकिन दोनों को एक साथ हम लोग कभी भी कम नहीं कर सकते हैं जो ऐसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था हाउ एवर वन हैज़ टू कीप इन माइंड दैट बोथ टाइम कंजम्पशन एंड मेमोरी यूजेस के नॉट बी ऑप्टोमाइज साइमिलटेनियसली प्लीज़ मेक अ नोट फॉर दिस माई डियर स्टूडेंट्स हाउ एवर वन हैज टू कीप इन माइंड बोथ कंजम्प्शन बोथ टाइम कंजम्पशन एंड मेमोरी यूजेस कैन नॉट बी ऑप्टिमाइज साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों को हम लोग कभी भी ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं टाइम को या स्पेस को सो इफ वी रिक्वायर एन एल्गोरिथम टू रन इन लेसर टाइम देन वी हैव टू गिव मोर स्पेस And if you require algorithm to run with lesser memory then we have to give more time it's vice versa only I hope it is clear for you so this is under the design of algorithm so first stage is design stage so during the design we have to keep two points in the mind what are the two points memory space तो ये दोनों के एक साथ हम लोग ऑप्टोमाइज नहीं कर सकते हैं तो चाहे तो हमें क्या करेंगे कम समय लगेगा तो मेमोरी ज्यादा लेगा या अगर हम कम मेमोरी उसको लगेगा तो समय को ज्यादा लेगा ये बात को ध्यान में रख करके हमें डिजाइन करना है नेक्स्ट वी हैव एनालिसिस एल्गोरिथम एनालिसिस द टर्म एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम वाज क्वाइंड बाय डोनाल्ड कांत साइंटिस्ट का नाम है जो ए टर्म को क्वाइंट के जोर दिए हैं एल्गोरिथम एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्पटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी विच प्रोवाइड थ्योरेटिकल एस्टिनेशन एस्टिमेशन फॉर द रिक्वायर्ड रिसोर्स ऑफ एन एल्गोरिथम टू सॉल्व स्पेसिफिक कॉम्पिटेशनल प्रॉब्लम इसके बारे में बताया गया है सो एनालिसिस ऑफ एलगोरिथम इज अब देखिए यहाँ पर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है सो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस रिसोर्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट हमने डिजाइन कर दिया लेकिन एनालाइज़ के दौरान हमें ये पता चलेगा कि हमारा ए पार्टिकुलर एल्गोरिथम कितना समय को ले रहा है और कितना स्पेस को रिक्वायर्ड कर रहा है एक प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने में सो एल्गोरिथम आर मेजर इन टाइम एंड स्पेस फॉर देयर इफिशियंसी एज आई टोल्ड यू किसी भी एल्गोरिथम की इफिशियंसी को मेजर करना है देन वी हैव टू मेजर बाय टू फैक्टर टाइम एंड स्पेस तो थर्ड पॉइंट ये कहता है इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिथम कैन बी एनालाइज्ड एट टू डिफरेंट स्टेजेस यानी कि एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को अगर हमें एनालाइज करना है तो दो डिफरेंट स्टेज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं एनालाइज हम लोग कर सकते हैं वो क्या है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन समझ रहे हैं यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले और करने के बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को एनालाइज हम लोग कर सकते हैं तो ये दोनों का टर्म दिया गया है वो क्या है उसे हम लोग देख लेंगे तो इसमें पहला क्या बताया जा रहा है प्रियोरी एनालिसिस, प्रियोरी एनालिसिस एंड पोस्ट टेरियरी एनालिसिस। प्रियोरी एनालिसिस क्या होता है दैट मीन्स बिफोर द इंप्लीमेंटेशन टेरियरी एनालिसिस मीन्स आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन सो so, ये दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर ध्यान देकर समझने का कोशिश करेंगे प्रियोरी एनालिसिस क्या होता है इट इज़ अ थियोरटिकल एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम ये थियोटिकल है यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम लोग थियोटिकली एनालाइज करते हैं समझ रहे हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स के द्वारा हम लोग एनालाइज करते हैं बिफोर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम समझ रहे हैं तो इफिशंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड बाय एज्यूमिंग दैट ऑल अदर फैक्टर्स सॉरी इसमें क्या होता है प्रियोरी एनालिस में क्या होता हैिथम किसी भी एलगोरिथम की इफिशियंसी को अगर हमें मेजर करना है तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे बाई एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कुछ फैक्टर्स को एज्यूम करके एग्जाम्पल प्रोसेसर स्पीड आर कॉन्स्टेंट एंड हैव नो इफेक्ट ऑन द इंप्लीमेंटेशन दैट इज कम्स अंडर प्रियोरी एनालिसिस यानी कि इतना समझ लीजिए आप प्रियोरी एनालिसिस यानी कि बिफोर इंप्लीमेंटेशन यानी कि थियोटिकली हम लोग इसको एनालाइज करते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारा एल्गोरिथम इफेक्टिव है या नहीं है ये एल्गोरिथम की इफिशेंसी अच्छा है या नहीं है समझ रहे हैं तो प्रियोरी एनालिसिस जो हमारा होता है थ्योरोटिकल एनालिसिस होता है एंड दैट इज बिफोर इंप्लीमेंटेशन सो इस केस में अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा जो इफ़िशेंसी ऑफ एल्गोरिथम जो होती है उसको हम लोग मेज़र करते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर पर जिसमें से एक फैक्टर हमारा दिया गया है प्रोसेसर स्पीड यानी कि प्रोसेसर स्पीड पर भी हमारा ये डिपेंड करता है इफ़िशेंसी का यानी कि प्रोसेसर स्पीड आप समझ रहे होंगे कंप्यूटर की स्पीड पर कंप्यूटर के स्पीड पर कंप्यूटर की स्पीड पर, पर डिपेंड करता है अब हम लोग देखेंगे इन अ प्रियोरी इट इज़ रीज़न वी यूज़ ए सिम्प्टोटिक नोटेशन हम लोग प्रियोरी की केस में एनालिसिस के केस में हम लोग क्या करते हैं ए सिम्प्टोटिक नोटेशन को हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं क्यों टू डिटरमाइन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टू डिटरमाइन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस केस में प्रियोरी एनालिसिस के केस में बिकॉज क्यों क्योंकि ए टाइम एंड स्पेस जो क्या होता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर क्या होता है वो चेंज होता है लेकिन अगर हम लोग एसिमटोटिक नोटेशन पर अगर हम लोग काम करेंगे तो ए हमारा चेंज नहीं होगा समझ रहे हैं तो दैट इज कम्स अंडर द प्रियोरी एनालिसिस पोस्टरे एनालिसिस क्या होता है हमारा उसको हम लोग देख लेंगे पोस्टरेरी एनालिसिस इज अ प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम एज आई टोल्ड यू पोस्टरी एनालिसिस आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन यानी इम्प्लीमेंटेशन के बाद यानी कि इंप्लीमेंट करने के बाद हमें जो कंक्लूजन निकलता है दैट इज कॉल्ड पोस्टरेरी एनालिस पोस्टरेरी एनालिसिस जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे पास पहले रिलायंस का सिम रहता था उसमें हम लोग प्रीपेड होता पोस्टपेड होता था प्रीपेड मतलब क्या पहले रिचार्ज करो पोस्टपेड मतलब यूज़ करो उसके बाद रिचार्ज करो लास्ट में उसका बिल आता था ठीक उसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन सो पोस्टेरी एनालिसिस मीन्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन दैट मीन्स आफ्टर प्रैक्टिकली यानी कि प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग एक एनालाइज करते हैं एंड दैट एनाल इज कॉल्ड पोस्टरी एनालिस एनालिस द सेलेक्टेड एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके इसमें क्या होता है सेलेक्टेड एलगोरिथम को हम लोग क्या करते इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दिस इज देन एग्जीक्यूट ऑन टारगेट कम्प्यूटर मशीन और फिर से हम जिस मशीन पर हम काम करने जा रहे हैं उस मशीन पर हम लोग क्या करेंगे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे टारगेट टारगेट कम्प्यूटर मशीन मीन्स ऑन विच वी आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट ऑन विच वी आर गोइंग टू

और ए जो एनालिस जो होता है सिस्टम टू सिस्टम वो चेंज करता है क्यों क्योंकि हर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है उसकी स्पीड अलग होती है तो स्पीड डिफ़र करेगा तो टाइम भी हमारा डिफर करेगा तो ये क्या होता है चेंज होता है हर सिस्टम टू सिस्टम सो आई होप ये दोनों पॉइंट आप समझ पाए होंगे यहाँ पर सो प्रेरी एनालिसिस क्या होता है इसमें हम लोग बिफोर द एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं ना यानी कि थियोटिकली बात हम लोग कर रहे हैं ठीक है थीके? और इसमें हम लोग सिमटोटिक नोटेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो हमारा इंडिपेंडेंट होता है किसी मशीन पर उसको डिपेंडेंसी नहीं रहती है समझ रहे हैं लेकिन एनालिसिस क्या होता है वो मशीन पर डिपेंडेंट होता है मशीन टू मशीन वो डिफर करता है क्यों क्योंकि प्रैक्टिकली एनालिसिस हम लोग इसको बोलते हैं ठीक सो दिस आर टू बेसिक टू बेसिक डिफरेंट स्टेज थ्रू विच वी आर एबल टू Measure the efficiency of any algorithm. Next, we have need for analysis. Why we go for analysis? kyu algorithm analysis So, analysis of algorithm is a process of analyzing the problem-solving capability of the algorithm in terms of time and size required. So, dear friends. यहाँ पर लिखा गया है कि हमें एल्ग्रिथम को एनालिस करना क्यों जरूरत पड़ता है क्यों जरूरत पड़ता है उसके द्वारा हम लोग एलग्रिथम की क्षमता को देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को हम लोग देखते हैं कि हमारा वो एल्ग्रिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी उस योग्य है कि नहीं है और उसको हम लोग किस टर्म में हम लोग कैपेबल मानते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम ठीक है इसी नीड नीड फॉर एनालिसिस एल्गोरिथम एनालिसिस के द्वारा हम लोग क्यों हम लोग एनालिसिस की नीड ऑफ एनालिसिस क्यों हो गया एल्गोरिथम एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है बिकॉज ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम वी आर एबल टू मेक द एल्गोरिथम शॉर्टर सिंपलर एंड मोर एलिगेंट एंड मोर एलिगेंट ड्यूरिंग द नीड फॉर एनालिसिस ऑफ

क्लियर मेंशन किया गया है यहां पर इसको आप समझिए ए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स सो व्हाट आर द स्टेप्स आर देयर फर्स्ट स्टेप इंप्लीमेंट द एल्गोरिथम कंप्लीटली सेकेंड स्टेप डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इच बेसिक ऑपरेशन थर्ड स्टेप्स इज दैट आइडेंटिफाई अन क्वांटिटीज that can be used to describe the frequency of execution of the basic operation next develop a realistic model for the input to the program next analyze the unknown quantities assuming the modeled input and at last we have to calculate the total running time by multiplying the time by the frequency of each operation then Adding all the product. So, these are the following steps by which we are able to do the complete analysis of the running time of an algorithm. Now, we have some cases. Generally, we perform the following types of analysis.

minimum number of steps taken on any instance of size A, minimum time required for program execution, that is called the best case. Average case kya ho And average number of steps taken on an instance of size A, average time required for the program execution, then it comes under average case analysis. So dear friends, we have a three types of Analysis, worst case analysis, best case, and average case analysis. Worst case means maximum time, best case means minimum time, average case means average time required. Now we have some methodology for the algorithm analysis. We have some methodology for the algorithm analysis. So what are the methodology here? So here we have a two methodology for the algorithm analysis. So first one is called asymptotic analysis. Asymptotic analysis I already told you this type of analysis used in priori analysis this type of analysis used in priori analysis so we have two methodologies here for the algorithm analysis first one is called asymptotic analysis asymptotic analysis and amortized analysis asymptotic analysis kya hota hai? हमने आपको इसके बारे में पहले बताया था कि ए सिमटोटिक एनालिसिस हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं प्रियोरी एनालिसिस के लिए कब यानी कि प्रियोरी एनालिसिस क्या होता है इट इज डन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन यानी इम्प्लीमेंटेशन से पहले तो अब हमें एसिम्टोटिक एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे यहां पर ए सिम्टोटिक ऑफ एन एल्गोरिथम रेफर्स टू डिफाइनिंग द मैथमेटिकल bondation or framing of its runtime performance. Dear students, I am talking on the runtime performance, Yaniki asymptotic analysis asymptotic analysis define the mathematical framing of its runtime performance. Second point says that using asymptotic analysis, we can very well कंक्लूड द बेस्ट केस एवरेज केस एंड द वर्स्ट के सीनैरियो ऑफ द एलगोरिथम दैट मीन्स अगर हम लोग एस इंटोटिक एनालिसिस को यूज करते हैं तो हम लोग बेस्ट केस एवरेज केस एंड वर्स्ट केस सीनेरियो को बहुत आसानी से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं किसी भी एलगोरिथम पर थर्ड पॉइंट ये कहता है ए सिम्टोटिक एनालिसिस इज एन इनपुट बॉन्ड दैट मीन्स इफ देर इज नो इनपुट टू द एल्गोरिथम देन इट इज कंक्लूडेड टू वर्क इन अ कॉन्स्टेंट टाइम आई होप इट इज क्लियर अगर ए सिम्टोटिक एनालिसिस में कोई इनपुट बॉन्ड नहीं है सॉरी ए ए एनालिसिस अगर हमारा इनपुट बॉन्ड है दैट मीन्स देर इज नो इनपुट यानि कि कोई इनपुट उसमें नहीं है तो क्या होगा एलोग्रिथम इट इज कंक्लूड टू वर्क इन अंस्टेंट टाइम कॉन्स्टेंट टाइम जो होगा उसको हम लोग करेंगे दूसरे केस में क्या कर रहा है ऑन अदर हैंड इनपुट ऑल अदर फैक्टर्स आर कंसिडर कॉन्स्टेंट ए सिम्प्टोटिक एनालिसिस रेफर टू कम्प्यूटिंग द रनिंग टाइम ऑफ एनी ऑपरेशन इन मैथमेटिकल यूनिट ऑफ कॉम्पिटेशन फिर से मैं इस बात को आपके सामने एक एक पॉइंट को क्लियरली मैं समझा रहा हूं आपको ए एनालिसिस क्या होता है इट्स रेफर द इट्स रेफर टू डिफाइनिंग मैथमेटिकल बाउंडेशन ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द रन टाइम परफॉर्मेंस यानी कि रन टाइम परफॉर्मेंस को यह रेफर करता है सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि एसिमटोटिक एनालिसिस के द्वारा अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो हम किसी भी एल्गोरिथम का बेस्ट केस एवरेज केस और वर्स्ट केस ये तीन जो सिनेरियो होती है उसको हम लोग ईजिली कंक्लूड कर सकते हैं ठीक है थर्ड पॉइंट ये कहता है इसमें कि अगर हमारा एसिमटोटिक एनालिसिस इनपुट बॉन्ड है इनपुट बॉन्ड मतलब कहने का मतलब क्या है कोई इनपुट नहीं है एल्गोरिथम का तो क्या होगा देन इट इज कंक्लूड टू वर्क इन ए कॉन्स्टेंट टाइम तो कॉन्स्टेंट टाइम पर हमारा वो काम करेगा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है ऑन द अदर हैंड द इनपुट ऑल अदर फैक्टर्स आर कन कंसिडर कॉन्स्टेंट और दूसरी बात में ऑन द अदर देन द इनपुट इनपुट के छोड़ करके जितने भी फैक्टर्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेंगे ए एनालिसिस एनालिस रेफर टू कंप्यूटिंग द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रनिंग टाइम ऑफ एन एनी ऑपरेशन इन द मैथमेटिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन दैट इज कॉल्ड ए सिम्टोटिक आई होप इट इज क्लियर फॉर यू जैसे कि हमने बताया था तीन केसेस होते हैं अगेन हियर इट्स गिवेन यूजअली द टाइम रिक्वायर्ड बाई एन एलगोरिथम फॉल्स अंडर थ्री कैटेगरी टाइम्स फॉल्स अंडर थ्री कैटेगरी देन वॉट आर द थ्री कैटेगरी बेस्ट केस दैट इज मीस मिनिमम टाइम एवरेज केस एवरेज टाइम एंड वर्स्ट केस मैक्सिमम टाइम ऑलरेडी आई टोल्ड यू सो हमारा टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एलगोरिथम जो हमारा तीन केस में ओ फॉल करती है किसी भी एल्गोरिथम अगर हमारा टाइम रिक्वायरमेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं या किसी भी एल्गोरिथम की टाइम रिक्वायर होती है वो तीन केस में फॉल करता है वो क्या क्या है बेस्ट केस में हो सकता है एवरेज केस में हो सकता है या वर्स्ट केस में हो सकता है बेस्ट केस मतलब मिनिमम टाइम एवरेज केस मीन्स एवरेज टाइम एंड वर्स्ट केस मीन्स मैक्सिमम टाइम सो बॉन्ड इन एल्गोरिथम एनालिसिस एल्गोरिथम एनालिसिस के अंडर में जो बॉन्ड होती है सो अपर बॉन्ड होता है और एक हमारा लोअर बॉन्ड होता है सो अपर बॉन्ड क्या होता है द मैक्सिमम टाइम अ प्रोग्राम कैन टेक टू प्रोड्यूस आउटपुट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट अपर बॉन्ड इज द वर्स्ट केस एंड इज डिटरमाइंड बाय मोस्ट डिफिकल्ट इनपुट फॉर द गिवेन एल्गोरिथम अपर बॉन्ड प्रोवाइड्स गारंटीज फॉर ऑल इनपुट सो अपर बॉन्ड हमारा क्या है वर्स्ट केस सीनियरियो का पहचान है समझ रहे हैं नर्स्ट कॉल वर्स्ट केस में ही हमारा अपर बॉन्ड होती है और ए मोस्ट डिफिकल्ट इनपुट लोअर बॉन्ड जो होता है हमारा वो बेस्ट केस का सीनारियो है सो मिनिमम टाइम अपर बॉन्ड मतलब मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम टाइम हमारा कम लगता है अपर बॉन्ड हमारा कब होता है यानी कि मैक्सिमम टाइम रिक्क्वायर होता है मैक्सिमम टाइम हमारा कब लगता है वर्ष केस में होता है लोअर बॉन्ड मतलब मिनिमम टाइम मिनिमम टाइम हमारा कब लगता है बेस्ट केस का सिनेरियो हो गया बेस्ट केस में लगता है हमारा ये तो बस ये दो बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग बॉन्ड इन एल्गोरिथम एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारा दो तरह का बॉन्ड होता है अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड अपर बॉन्ड मीन्स टॉकिंग फॉर द मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम टाइम हमारा कब लगता है वर्स्ट केस सिनेरियो में लोअर बॉन्ड यानी कि मिनिमम टाइम मिनिमम टाइम हमारा कब लगता है बेस्ट केस के सिनेरियो में बस ये दो बात को ध्यान में रखना है अब हमारा एसिम्टोटिक एनालिसिस के अंदर में एसिमटोटिक नोटेशन आती है उसको हमें देखना है थोड़ा एसिमटोटिक नोटेशन क्या होता है वो हमें समझना है एसिम्टोटिक नोटेशंस में हमें ये समझना है कि इसके अंदर में बहुत सारे नोटेशंस उसको बार एक करके हमें समझना है

बताना है तो हम लोग टाइम और स्पेस की टर्म पर हम बताते हैं तो अगर हमें वो क्वांटिटी को बताना है तो एग्जैक्ट नंबर को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कितना समय लगेगा या कितना जगह को आप करेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है एक नोटेशन को हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं यानी कि वो टाइम और स्पेस को हम एक स्टैंडर्ड नोटेशन के द्वारा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एंड दैट स्टैंडर्ड नोटेशन इज़ नॉन एज ए सिम्प्टोटिक नोटेशन डेफ्रेंड्स से मैं रिपीट कर रहा हूँ जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए हमें उसकी टाइम और स्पेस को मेजर करना है यानी कि टाइम और स्पेस किसी भी एल्गोरिथम की को मेज़र कर लेते हैं तो उस एल्गोथम की इफिशेंसी को हमको पता चल जाता है तो उस टाइम और स्पेस को एग्जैक्ट नंबर के द्वारा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक स्टैंडर्ड नोटेशन के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं उसके द्वारा उसको हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं और उस स्टैंडर्ड नोटेशंस को ही हम लोग क्या कहते हैं एस्टिप्टोटिक नोटेशन कहते हैं ठीक है अब हमारे पास कुछ उस तरह का नोटेशंस जो है उसको हम लोग एक एक करके देखना चाहेंगे फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज एस्टिमटोटिक नोटेशंस टू डिसकैलकुलेट द रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम सो यहाँ पर क्या है हमारा फॉलोइंग कुछ एसिमटोटिक नोटेशंस दिया गया है जो हम लोग रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी एल्गोरिथम का सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन सो ओ दैट इज कॉल्ड बिग ओ नोटेशन क्या कहते हैं हम लोग बिग ओ नोटेशन द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बिग ओ नोटेशन सो बिगो नोटेशन क्या होता है द नोटेशन ओ ऑफ एन इज द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द अपर बॉन्ड ऑफ एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम ए यानी कि अपर बॉन्ड को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं अपर बॉन्ड दैट इज द केस ऑफ द मैक्सिमम टाइम व्हेन इट विल बी टेक द मैक्सिमम टाइम दैट इज अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो नाउ वी हैव

द लोअर बॉन्ड ऑफ एन एल्बोरिथम रनिंग टाइम दैट मीन्स इट्स मेजर द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा नोटेशन थीटा नोटेशन क्या होता है द थीटा नोटेशन इज द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस बोथ लोअर बॉन्ड एज वेल एज अपर बॉन्ड यानी कि ये दोनों नोटेशन को हमारा ए क्या करता है एक्सप्रेस करता है ए हमारा दोनों रोटेशन लोअर बॉन्ड एंड अपर बॉन्ड दोनों को एक्सप्रेस करता है हमारा ठीक है सो दैट इज थीटा नोटेशन नेक्स्ट वी हैव एमरोटाइज एनालिसिस वंस अगेन अगेन आई ट्राई टू एक्सप्रेस दिस थ्री टर्म्स बिग ओ नोटेशन बिग ओ नोटेशन अपर बॉन्ड को एक्सप्रेस करता है अपर बॉन्ड मीन्स मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड सो इट्स मेजर द वर्स्ट केस Time complexity or the longest amount of time an algorithm can possibly take to complete. That is called Big O notation. Omega notation kya hota hai? It's the formal way to express the lower bond of an algorithm's running time. Lower bond, that means minimum time. So, it's measure the best case time complexity, best amount of time. An algorithm can possibly take into complete that is called omega notation. Theta notation means both, it expresses both upper bond as well as lower bond, that is, comes under average case. Clear? So, common asymptotic notation following is a list for some common asymptotic notation constant O of 1 logarithmic O log n, linear O of n, n log n, so these are the chart given for the common asymptotic notation. Now, we have to see the last amortized analysis. Amortized analysis kya hota hai? Amortized analysis is generally used for certain algorithm where a

यानी कि कुछ एल्गोरिथम में हम लोग एम्ब्रोटाइज एनालिसिस को यूज़ करते हैं जहाँ पर सिक्वेंस ऑफ सिमिलर ऑपरेशन को परफॉर्म हम लोग करते हैं एम्ब्रोटाइज एनालिसिस इज़ यूज फॉर एल्गोरिथम वेयर एंड ओकेजनल ऑपरेशन इज़ वेरी स्लो बट मोर ऑफ़ द अदर ऑपरेशन आर फास्टर यानी कि ओकेजनल कुछ ऑपरेशन जो होते हैं बहुत कम इस्तेमाल होते हैं वेरी स्लो होते हैं बहुत स्लो होते हैं लेकिन कुछ ऑपरेशन जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं यानी कि बार बार उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठीक है इसके अंदर में कुछ पॉइंट्स पॉइंट उसको हम एक एक करके आपके लिए कवर करेंगे सो एम्ब्रोटाइज एनालिसिस डिफर फ्रॉम एवरेज केस एनालिसिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट इन्वॉल्व इन द एम्ब्रोटाइज एनालिसिस एम्ब्रोटाइज एनालिसिस गारंटीज द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ इच ऑपरेशन इन वर्स्ट केस यानी कि एम्ब्रोटाइज एनालिसिस में एवरेज केस कुछ नहीं होता है एवरेज केस पर वो बात नहीं करती है वो मतलब वर्स्ट केस हो या बेस्ट केस हो एवरेज केस ऐसा कुछ नहीं होता इसमें सेकेंड पॉइंट यह कहता है एम्ब्रोटाइज एनालिसिस प्रोवाइड्स अ बॉन्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द इंटायर सिक्वेंस ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द इंटायर सिक्वेंस Instead of bonding, the cost of sequence of operations separately. So, we separately on this. We sequence of operations separately. Hum log is per So, amortization analysis provides a bond. So, already I told you we have a two types of a bond: lower bond and the upper bond. So, upper bond talks for the maximum time. That is the case of the worst case. And lower bond. Talks for the minimum time, and that is the case of the best case. Amortized analysis, third point. Amortized analysis has different method. What are the different methods for the amortized analysis? Aggregate method, a counting method, potential method, and dynamic table. So, these are the different methods used for the amortized analysis. So, aggregate method is there, a counting method is there potential method is there and dynamic table is there so these are the different types of methods using for the amortized analysis next we have the last point we are going to talk for the example data structure whose operations are analyzed using amortized analysis as hash table disjoint sets एसप्ले ट्रीज यानि कि एमरोटाइज एनालिस कॉन्सेप्ट का हमने इस्तेमाल डेटा स्ट्रक्चर के किस फील्ड में किया है उसका एग्जाम्पल दिया गया है हास टेबल में हमने किया है एसप्लेटेबल ट्रीज में हमने किया है डिसज्वाइंट सेट में हमने किया है सो डियर फ्रेंड्स ये चार बेसिक पॉइंट्स हैं जो एमरोटाइज एनालिस के अंदर में हमने देखा एम्ब्रोटाइज so, एनालिस में पहला पॉइंट क्लियर बता दे रहा है यहां पर कि एवरेज केस पॉसिबिलिटी जिसमें नहीं होती है इज डिफर फ्रॉम द एवरेज केस एनालिस यानी कि एवरेज केस एनालिस क्या होता है हमारा अलग होता है यानी कि यहां पर प्रोबेबिलिटी की कोई बात नहीं होती है ए गारंटी द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ इच ऑपरेशन इज इन वर्स्ट केस वो गारंटी देता है कि जितने भी परफॉर्मेंस होगी एवरेज केस का एम्ब्रोटाइज गारंटी द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ इच ऑपरेशन इन द वर्स्ट केस यानी कि एवरेज परफॉर्मेंस जो भी होगी एल्गोरिथम का ऑपरेशन का वर्स्ट केस ही होगा दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एमरोटाइज एनालिस सेकेंड पॉइंट ये कहा कि ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर क्या है प्रोवाइड्स अ बॉन्ड यानी कि लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड दोनों यहां पर हम लोग काम करते हैं थर्ड पॉइंट यह कह रहा है कि ये एमरोटाइज डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करता है जिसको हम लोग एग्रीगेट मेथड बोलते हैं अकाउंटिंग मेथड बोलते, है, बोलते, है, बोलते हैं पोटेंशियल मेथड बोलते हैं डायनमिक टेबल बोलते हैं यानी कि इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं एमरोटाइज एनालिसिस को हम लोग परफॉर्म करते हैं और एम्ब्रोटाइज एनालिसिस डेटास्ट्रक्चर की किस फील्ड में हम लोग इस्तेमाल किए हैं उसका एग्जाम्पल बताया गया हैस टेबल डिसज्वाइंट सेट स्प्ले ट्रीज सो दिस आर द एरिया वे वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द एम्ब्रोटाइज एनालिस सो दिस आर द टू मेथडोलॉजी फॉर द एल्गोरिथम एनालिस सो ए सिंप्टोटिक एनालिस एंड एमरोटाइज एनालिस आई होप इट इज क्लियर फॉर यू मैं आशा करता हूं ये वीडियो लेक्चर के द्वारा आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए होंगे समझ पाए होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद